चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में? कॉमन नाउन। चलिए लिखेगा अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास। क्लास, अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास। इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, क्लियर ना? अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वैसा नाउन जो जाति एवं वर्ग को दिखाए कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, बॉय, गर्ल, मोबाइल, एटीसी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर ना? जैसे देखिए, हम लोग पेन का बात किए तो पेन में जाति भर का पेन आ गया। ये पेन न्यू लाइन का है, कोई पेन हो गया आपको रोटोमैक्स का हो गया, है ना? तो ये पेन रोटोमैक्स प्रॉपर नाउन हो गया, न्यू लाइन प्रॉपर नाउन हो गया, क्लियर ना? लेकिन पेन बोले तो कास्ट, क्लास, जाति भर का बोध हो गया। बुक बोले तो क्या हो गया? जाति भर का बोध हो गया। अब बुक में हिस्ट्री का बुक आता है, ज्योग्राफी का आता है, इंग्लिश का बुक आता है, वो प्रॉपर हो गया। बट ओनली बुक का बात करें तो कॉमन नाउन। क्लियर ना? एक बॉय में क्या है ना, पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। लेकिन वहीं पे रोहन है, रमन है, सुमन है, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर। बट जिसे जाति भर का बोध हो जाए कॉमन नाउन। गर्ल बोले तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन, पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। लेकिन ये भी प्रिया, राधा, नंदिनी, ये सब क्या हो गई? प्रॉपर। मोबाइल बोले, मोबाइल क्या हो गया? कॉमन नाउन। मोबाइल बोले तो जाति भर के मोबाइल का बोध हो गया। अब उसी में बोले ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग, है ना, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर ना? तो जिससे जाति भर का बोध हो जाए क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर? ये तो छोटे वाला एग्जाम्पल था, थोड़ा बड़ा वाला देखते हैं। लिखिएगा द टीचर इज टीचिंग, और क्या लिखे? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब बताना है आप लोग को कौन सही है कौन गलत है। क्या लिखे आप लोग? पहला कंसेप्ट, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। हिंदी अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाए तो वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है और आर्टिकल द तो जरूर लेता है, और आर्टिकल द तो जरूर लेता है। दूसरा कंसेप्ट, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लुरल एंड टेक प्लुरल वर्ब, मतलब जब कॉमन नाउन का प्रयोग प्लुरल के रूप में किया जाए तो वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल लेगा। एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, और सामान्य सी बात में, मोटा मोटी वाला बात में वो अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। जब इतना बात समझ में आ गया तो आप लोग अब अपना दिमाग का यूज कीजिए और बताइए ऊपर वाला दोनों एग्जाम्पल में कौन सही है कौन गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, जल्दी बताइए। सोच समझ के गलती से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है? बताइए, पहला है द टीचर इज टीचिंग, सही कर दे? करेंगे, सही करेंगे ना? सही करेंगे। क्यों करेंगे पता है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है,
उसमें भी कॉमन नाउन है द लगेगा। दो कंसेप्ट याद रखिएगा दुनिया में, जब सिंगुलर हो काउंटेबल हो नाउन हो आर्टिकल लेता है, क्लियर ना। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो द लेगा। कॉमन नाउन यदि सब्जेक्ट का काम करे तो द लेगा, है ना। द दूसरा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, इसको कोई सही किए नहीं किए नहीं किए काट देंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि यहाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे प्लुरल है और प्लुरल में द का यूज सामान्य सी बात में नहीं करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी कोई बच्चे होंगे छत पर हो कर रहे होंगे, कोई बच्चे कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर भी द लगा सकते थे। कब लगाएंगे पता है? जब यहाँ पे रहता द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द निर्माण तो सही हो जाता, पर्टिकुलरिटी का बोध हो जाता। ऐसे पुलल जनरल सामान्य सी बात, सब बच्चे पढ़ते ही हैं, कौन कौन पढ़ता है सबके पता है कितना परसेंट पढ़ता है ना। तो क्या है, तो पुलल काउंटेबल नाउन में द का यूज नहीं करेंगे सामान्य सी बात के लिए, खास बात के लिए करेंगे। ओके, समझ में आया इतना बात। यही था अपना कॉमन नाउन, हेडिंग बनाइए कलेक्टिव नाउन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। लिखिएगा अ नाउन दैट शोज, अ नाउन दैट शोज collection, a noun that shows collection, a noun that shows collection, it is called collective noun। ये सब भीड़ भाड़ को दिखाता है, जैसे a bunch of keys तो चाबियों का गुच्छा है ना, a baby of girls लड़कियों का क्या, बी ई वी वाई लड़कियों का समूह। अब बेबी बच्चा वाला, ओहो निर्माण की बच्चे ऐसे है ना, वो बी बेबी वो वाला होता था ना जी, बेबी वो वाला नहीं हो ई नहीं, यहाँ लड़कियों के होशियार के ग्रुप है, आई बेवकूफ के कहते हैं बेबी, है ना। तो क्या है, तो बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब क्या होता है, लड़कियों का झुंड। अगर 10-12 के झुंड है तो क्या करेंगे, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना। 10-12 को जानवरों का झुंड है तो क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ कैटल। 10-12 को चाबियों का गुच्छा है तो क्या बोलेंगे, अ बंच ऑफ कीज, है ना। अगर 10-12 को टीम के मेंबर का झुंड है तो क्या बोलेंगे, अ टीम ऑफ मेंबर्स, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, क्या बोलेंगे, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स। 2-4 को प्लेयर का झुंड है तो क्या बोलेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। बात समझ में आ रहा है ना, तो झुंड को बताता है, कलेक्शन को बताता है, भीड़ भाड़ को बताता है, इसीलिए तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। बात समझ में आता है, तो एग्जाम्पल लिखिए, बड़ा वाला घर पर से बना के लाइएगा, लाइएगा लिखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लियर ना। तो 3 एग्जाम्पल है आपके लिए कलेक्टिव नाउन से। पहला है अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, दूसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, और तीसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। इस तीनों क्वेश्चन को टिक लगा के आप लोग कमेंट में लिखिएगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है।